नहीं मैम के साथ में आओ। अरुण सर यहाँ पे आइए। अरुण भाई आइए आइए। यस परफेक्ट, क्या बात है। यहाँ पे आपे सामने लुक सेंटर, अभी सेंटर में होल्ड है। इधर ले, इधर ही फिर फोटो अपने लेफ्ट में। फिर टर्न द साइड बहुत अच्छी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, द लेफ्ट साइड। वी आर फ्रॉम अमेरिका। यार तो क्या यार, अगर कल पैप नाउ स्टेडियम। हां नाउ में इंडियन इंडियन पैप मराठी बोला मी फ्रॉम बाइंदर। या तसा समोर बघा, मला समोर लुक इधर। या स्ट्रेट अरुण भाई, थोड़ा पोज दो। अरुण भाई कोई अलग पोज दो। नहीं नहीं इतना नहीं यार। बोला ना तो धक्का दे रहे हैं। आइए आइए मैम, आइए आइए। या मैम या आइए मैम, स्लोली स्लोली आइए मैम। कर्मा कॉलिंग तू किधर से आ गए? इतना अच्छा हुआ रमीना जी जा रही थी। मैम रुकिए, आइए आगे पीछे पीछे। रवीना मैम पीछे। रवीना जी पता जानते हैं, तू अभी तक पकड़ के रखा था, पकड़ के रखा था। एक से पीछे आइए आइए सर, साथ में ऑल ऑफ यू। राइट से लेफ्ट आएंगे। जी जी जी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये लाइट लेके आओ, चलेगा या परफेक्ट। या सेंटर सेंटर में होल्ड कर, सुने की काम कर। कर्मा कॉलिंग यहाँ पर, लुक सेंटर ऑल ऑफ यू। या कॉलिंग यहाँ पर कहाँ थी? उठ ली। और रुकना, सोलो चाहिए। रुकना बाबा, कौन है? स्ट्रेट 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 मैम, यहाँ पर कर्मा कॉलिंग यहाँ पर। मैम थोड़ा एक से पीछे, वो उसको पकड़ के और सेंटर। अविना जी मैम, राइट मैम। हम लोग क्या नमस्ते स्टेडियम मैम, सामने यहाँ पर, यहाँ पर मैम सामने स्टेडियम या सेंटर। लेफ्ट से राइट करें मैम, अभी जान नहीं नहीं कर्मा कॉलिंग यहाँ पर। प्रमोशन यार, क्या बात है यहाँ पर सामने। अरुण भाई
अरे जाओ नाटक कर रहे हैं मैम। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है ऐसे यार? मराठी मराठी उधर सीधा सेंटर क्यों सेंटर क्यों सेंटर हिंदी मीडियम मराठी मीडियम अभी पांचवी फेल हट रहे चलो आ जाओ कर्मा कॉलिंग कम ऑन यस 1 2 3 कर्मा कॉलिंग ओ वॉच नाउ वॉच नाउ चलो वंस मोर कर ले चलो ओके सब लोग जाओ चलो थैंक यू चला आपका चला आईफोन वाले एयरड्रॉप आईफोन वाले एयरड्रॉप चलो डन सेंटर क्या बात है नाइस मैम लुक हियर या न्यू पोज में मैम यहां मैम सेंटर एक मिनट रुको मैम यहां पे कर ले मैम उधर ही मैम सेंटर सेंटर मैम हियर मैम या सेंटर मैम यस हाउ यू स्टेडियम मैम हियर मैम लेफ्ट साइड जस्ट टर्न योर लेफ्ट साइड पकड़ ना जरा कहां जा रहे मैम टर्न मैं दर्शनानी पर नहीं समझ पा रहा आई एम लुक हियर सेंटर चलो आ जाओ चलो चलो थैंक यू मैम थैंक यू मैम चलो डन थैंक यू वरुण वरुण यस भाई ओ ये गिर रहे ना यहां यहां पे आप ही सर आपके राइट में तो राइट आ गया आ गया यहाँ पर थैंक यू थैंक यू लेट्स गो फॉर इट सो गुड टू सी यू गाइस Thank you. I know anyone see the trailer. The dialogue comes in ki 90s queen. हम आपको हम सब आपको अभी भी कोई नहीं मानते हैं. So sweet. The very first reason you said yes to the film. I think this show came to me 10 years ago. एंड तभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं दिस इज़ दी इंडियन ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ अ अमेरिकन शो कॉल्ड रिवेंज जो ABC स्टूडियोज़ ने बनाया था इट वॉज़ वेरी अक्लेम्ड शो तो ये उसका अडेप्टेशन है जो मेरे पास पहले भी आया था लेकिन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस एंड अब जो इन्होंने पूरा अच्छी तरह जमा के 10 years हेंस हम सब वापस वही शो बना रहे तो कहीं ना कहीं ये शो मैं करने ही वाली थी चाहे तब या आज या कल तो ये एक ऐसा था कि स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ट्विस्ट टर्न्स प्लॉट सब कुछ है सो इट इज़ समथिंग कि आप मिस ही नहीं कर सकते हो सो देयर वाज नो टू वेज कि मैं न करती ये शो रवीना की ओरिजिनल शो की बात की जाए तो क्या आपने ओरिजिनल शो देखा है और क्या जो कैरेक्टर ओरिजिनल शो में है वो आप उसको देख के मतलब आपने कुछ टिप्स दी क्या है तो इस कारण ही मैंने ओरिजिनल शो नहीं देखा मैंने सिर्फ एक सीजन देखा टू सी द वर्ल्ड ऑफ द एंड द प्लान ऑफ द प्लानिंग ऑफ द इंटायर शो लेकिन जनरली मैं एक कैरेक्टर नहीं देखती हूँ बिकॉज फिर कहीं जहन में वो बैठ जाता है और अब वो सबकॉन्शियसली आप फॉलो करने लगते हो तो आई वॉन्टेड टू क्रिएट इंद्राणी कोठारी क्योंकि जब हमने इंडियन अडेप्टेशन किया है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर से रेलिवेंट होके हमने अडेप्ट किया है उसे हमारे सीरीज़ में सो इसलिए रुचि जी को भी लगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वो ही कट पेस्ट कॉपी करें देर इज़ अ लॉट जो बहुत चेंजेस हम लाए हैं इस शो में विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर आइडेंटिफाइबल विद आर ऑडियंसेस उम्मीदें ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा कामयाब रहा है फिर इसका एक अलग ही यू नो अंदाज़ है क्योंकि हिंदी
की ऑडियंस के लिए, तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा? आई थिंक सही सवाल है आपका, सही प्रश्न है, क्योंकि ज़रूर ये एक जहन में रहता है कि एक शो जो सक्सेसफुल हो चुका है, आशा करते हैं कि हम भी उसी सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएं इस शो को लेकर। मेहनत तो सभी करते हैं और कामयाबी तो सभी चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑडियंस इज किंग और ऑडियंस के ऊपर निर्भर है कि उनको शो पसंद आता है नहीं आता है। अब तक के जो रिएक्शंस हैं ट्रेलर्स को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। एक लोगों में एक एक्साइटमेंट है कि ऐसा एक शो आ रहा है थोड़ा अलग किस्म का, तो कहीं ना कहीं हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि हमारी सबकी मेहनत रंग लाए। रवीना जी, हॉटस्टार की बात की जाए तो हॉटस्टार मतलब कि जो भी शोज आ रहे हैं हॉटस्टार के, तो उसमें वुमेन्स को जो है काफ़ी स्ट्रांग बताया गया, काफ़ी स्ट्रांग रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे सुष्मिता सिंह का शो आर्या हो, काजल जी का शो ट्रायल हो, तो उसके आपको लगता है कहीं ना कहीं हॉटस्टार जो है वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ ज़्यादा ही सोच रखता है क्या? आई थिंक एक खूबी है इस चैनल की जो ये विमेन ओरिएंटेड जिसे हम कहते हैं, या जो प्रोटैगनिस्ट हैं विमेन लेड शोज़ आजकल एक्चुअली पैन OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं और हमारी फिल्मों पे भी यू नो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ एक दिख रहा है रेल्म जो चल रहा है इस समय। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चेंज फॉर बेसिक अवेयरनेस ऑल्सो इन आर सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्यूज़ करता है ऑडियंसेस के माइंड्स को भी, एंड इट्स काइंड ऑफ वर्किंग, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि अ प्लेटफॉर्म इनकरेजेस मोस्टली विमेन लेड शोज़, एंड अगर आप देखें तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड वेरी वेल। सो एक एक्सेप्टेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है आप यू नो यू कैन कीप मेकिंग कंटेंट, लेकिन अगर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करे तो वो कंटेंट नहीं चलेगा। लेकिन मतलब ऑडियंस की तरफ से भी ये एक्सेप्टेंस है, सो इन बेसिकली आई फील इन सोसाइटी इट्स अ ग्रेट चेंज। इंद्रानी जी का किरदार और रमिका सेन जी का किरदार कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है दोनों किरदार में, एंड एडिंग ऑन दैट हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट फॉर चैप्टर 3? आई थिंक आप देखेंगे रमिका सेन और इंद्रानी कोठारी में, और जो पिछला मैंने कस्तूरी डोगरा किया आरण्यक में, तीनों ही किरदार बहुत ही अपने आप में अलग किस्म के कैरेक्टर्स हैं, एंड कहीं ना कहीं हमको एज व्हाट आई एम एज अ पर्सन भुला के उस कैरेक्टर के शूज़ में घुसना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड वो ही कोशिश करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वरुण हो या नम्रता हो, सब एक्टर्स यही कोशिश करते हैं, कोशिश जारी है, बाकी लोगों को पसंद आए तो बहुत ही अच्छा होगा। नम्रता, आपसे पूछना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी दिग्गज कलाकार के साथ काम करने के लिए, वरुण आपसे भी जानना चाहूँगा क्या सीखने को मिला? आई थिंक ये सीखने को मिला कि हार्ड वर्क हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ता है, वो जो हंगर होता है एक आर्टिस्ट में वो हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ता है, चाहे आपने कितने भी अवार्ड जीते हो, रिगार्डलेस आपको सेट पे आना है, उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही प्रेप करना है, एंड आई थिंक रवीना मैम से मैंने यही चीज़ सीखी है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक सेम मेरे लिए भी, इतना प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, हंगर अभी भी इनमें देखना बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू बी, और आई होप कि इनकी जो कला है, टैलेंट है, आई हैव इम्बाइब्ड अ लिटिल बिट, बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। देखिए, मैं दूसरों के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने आप के लिए तो कह सकती हूँ कि मैंने आई हैव ऑलवेज चोजन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, एंड सिंसियर और एक ऑनेस्टी हो अपने काम के साथ, तो आपसे कोई आपका काम नहीं छीन के लेके जा सकता है। तो मे बी द चॉइस ऑफ रोल्स, एंड आई हैव बीन लकी ऑल्सो, थोड़ा बहुत लक की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार होता है हम बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ नहीं चलती है, तो ऐसे एक ठेस सी पहुंच जाती है दिल में, लेकिन आई हैव बीन लकी ऑल्सो, कृपा रही है, ईश्वर की कृपा रही है, ऑडियंस की कृपा रही है कि उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया, एंड वो मेहनत अभी भी जारी है, एंड मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक जो भी शो या फिल्म करूँ वो मैं कभी अपना कैरेक्टर रिपीट नहीं करती हूँ, आई ट्राई एंड डू के हर एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही तरीके का किरदार हो, तो मुझे भी मज़ा आता है करने में, मुझे एक चुनौती सी लगती है, एंड आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आए। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। रवीना जी, 90s की बात की जाए तो 90s की जो एक्ट्रेस
एक्ट्रेस थी, हमने देखा कि 2023 में जो है काफ़ी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो है काफ़ी अच्छा काम किए हैं। 90s के जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे जैसे बॉबी देओल जी हैं और सनी देओल जी हैं, काजोल जी, सुष्मिता जी, तो सब लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है 2023 में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है यंग जनरेशन को एक रन फॉर देयर मनी है, आपको आ गए वापस? हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम सब के लिए जगह है, कोई ऐसा नहीं है जिसे शायद अगर जिसने अपना मुकाम या नाम बनाया हो या मेहनत की हो या टैलेंट, कभी ना कभी तो आपका टाइम आएगा ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम न किसी का काम छीन रहे हैं और न कोई हमसे काम छीन रहा है। लाइक आई सेड, टैलेंट इज़ ऑलवेज हियर टू स्टे एंड फ्रेश एंड न्यू टैलेंट इज़ ऑलवेज वेलकम। नम्रता, प्लानिंग जितनी भी की थी मैंने, 7 दिन की प्लानिंग की थी, वो सब वैसे डब्बे में चली गई क्योंकि इनको देख के यू फील लार्जर देन लाइफ। व्हेन शी एंटर्स अ रूम वो एक एनर्जी लेके आती है, एंड बट अगेन शी मेड एवरीथिंग सो कंफर्टेबल कि हमको कभी घबराहट हुई नहीं सेट पे। तो बहुत ईजी टू वर्क था आफ्टर आई मेट हर। ऑब्वियसली बिफोर मैं काफ़ी डरा हुआ था कि पता नहीं मैं कैसे बात कर पाऊँगा, मैं अपना रोल सही से निभा पाऊँगा नहीं निभा पाऊँगा, बट शी मेड थिंग्स सो ईजी कि मेरे लिए ये शो करना आसान हो गया। नहीं, मैं बहुत शाय थी पहली मुलाकात में, लेकिन हम पहले लुक टेस्ट में मिले थे और फिर बहुत सारी रीडिंग्स की थी, तो जो भी नर्वसनेस थी वो उसमें ही यूज अप हो गई। और फिर जब हम सेट पे थे एंड बाय दैट टाइम हमारी बहुत सारे रीडिंग्स हुए थे, तो वी गॉट टू नो ईच अदर, और वो इतनी वॉर्म है, इतनी प्रोफेशनल है, शी इज़ देयर टू प्ले हर कैरेक्टर, एंड वो इंश्योर करती है कि सब उनके आसपास हैप्पी और सिक्योर फील कर रहे हैं, तो इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन। नम्रता जी, पहली आपकी सीरीज है और रवीना जी के साथ है और उस पे ऊपर से सुनने पे तो आ गया ये कि नेगेटिव रोल आप प्ले कर रही हैं, तो कितना ज़्यादा प्रिपरेशन की थी आपने उसके लिए और क्या मतलब कि ये इंटेंट था आपका कि मतलब कि आपको नेगेटिव रोल प्ले करना है? क्या नेगेटिव है कि नहीं आप शो देखने के बाद डिसाइड कर लीजिए, वो हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही प्रेपरेशन रहा, बहुत ही वर्कशॉप्स, इमोशनल प्रेपरेशन था, और जब आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कर्मा क्या करने आई है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव आप डिसाइड कर लेंगे, आप लोग सब डिसाइड करेंगे। 26 जनवरी को याद रखिए हमारा शो कर्मा कॉलिंग आ रहा है, प्लीज़ आप लोग भी देखिए, और अगली बार मिलेंगे तो आप लोगों का भी फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्लीज़ इंजॉय। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप लोग माइक ले, आप हो गए, जिसका जो माइक है मैं सब ले ली।